हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियान एफएफ एक्सप्लेन। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ वांगशियान फैन फिक्शन मैरी टू वी ए बिलियनर बॉय इट्स अ प्लान के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वांग जी जैकब के बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो बस कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। तभी उसे फ़ोन की दूसरी साइड से कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसे सुनकर वांग जी अंदर से शिवर करने लगता है। वांग जी अपने ब्रदर और अपने अंकल की वॉइस सुनता है, उनके चीखे सुनता है, जिसे सुनकर वांग जी फ़ोन की दूसरी साइड से चिल्लाने लगता है, जैकब से भीख मांगने लगता है अपने भाई और अपने अंकल के लिए। और दूसरी साइड से जैकब आराम से काउच पर बैठकर स्माइल करते हुए वाइन पी रहे थे। वांग जी को डराने के लिए जैकब लैन शिचेन और लैन चिरेन का वॉइस ऑडियो क्रिएट किया था और इसे वांग जी के सामने सच बनाकर प्रेजेंट किया। असल में शिचेन और लैन चिरेन जैकब के पास है ही नहीं, वांग जी टूट गए थे। उसके लिए दोनों में से चूज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अभी क्या करे और किसे चुने अपने लिए। एक तरफ वो जिसे वो प्यार करता है और दूसरे तरफ वो इंसान जो उसे प्यार करता है और वो भी उसे प्यार करता है, उसका फैमिली। वांग जी कॉल काट करके ग्राउंड पर बैठ जाता है। विंग जिसे वो धोखा नहीं दे सकता, जैकब के कहने पर उसे सारी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करा के उसे चीट नहीं कर सकता था वांग जी, और अपने भाई और अंकल को भी मारते हुए नहीं देख सकता था। वांग जी कॉन्फ्यूज्ड ज़रूर था, लेकिन एक बात पे वांग जी बिल्कुल भी कॉन्फ्यूज्ड नहीं था कि विंग को जैकब से बचाना है। वांग जी एक डिसीजन लेता है, यहाँ तक कि उसने अपने बारे में भी एक बार नहीं सोचा। यहाँ तक अभी वांग जी ये तक भूल गया था कि वो अभी प्रेग्नेंट है। अगर उसने जैकब की बात नहीं मानी तो वो लोग उसे और उसके बच्चे को भी मार सकता है जो कि अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। विंग जल्दी से ऑफिस वर्क ख़त्म करके घर वापस आता है। वांग जी उसे फ़ोन पर बताया था कि उसके पास विंग के लिए एक सरप्राइज है, तो विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वांग जी से ये जानने के लिए कि उसके लिए वांग जी के पास कौन सा सरप्राइज है। लेकिन विंग जब लिविंग रूम में एंटर किया तो उसने वांग जी को लिविंग रूम में नहीं देखा, इसलिए विंग लिविंग रूम से वांग जी को आवाज़ लगाते हुए बेडरूम चला आता है। जब उसने बेडरूम में एंटर किया, बेडरूम बहुत ज़्यादा डार्क था, कमरे की सभी लाइट्स ऑफ थी। विंग कमरे की लाइट्स स्विच ऑन करता है, जैसे ही कमरे में रोशनी होता है, विंग ने देखा वांग जी बेड की एज में बैठे थे और उसके सामने उसका सूटकेस था। विंग पूछता है, तुम अंधेरे कमरे में क्या कर रहे थे ये वो? वांग जी बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और अपना सूटकेस पकड़ कर कोल्ड टोन में कहता है, आई एम सॉरी विंग, लेकिन आई नीड टू गो। विंग कहता है, गो? लेकिन तुम कहाँ जाना चाहते हो? वांग जी कहता है, कहीं भी, लेकिन तुमसे दूर जाना चाहता हो। विंग कॉन्फ्यूजली कहता है, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आया इवो। अगर तुम घर पर पूरे दिन अकेला बोर फील करते हो और तुम कहीं वैकेशन पर जाना चाहते हो तो तुम मुझे बता दो, तुम कहाँ घूमना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने साथ घुमाने लेकर जाऊँगा। वांग जी कहता है, विंग पहली बात मैं इवो नहीं हूँ, तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानते हो वो सच नहीं है, वो सब कुछ झूठ है। मैं वांग कॉरपोरेशन की चेयरमैन का बेटा नहीं हूँ, मेरा तुमसे मिलना और स्वीटली बातें करना सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। मेरा तुमसे शादी करना भी एक प्लान था, ताकि तुमसे शादी करके तुम्हें अपने प्यार में ब्लाइंड करके तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और धन तुमसे साइन करा के मेरे नाम कर लूँ। विंग शॉक्ड होकर कहता है, क्या? नहीं नहीं इबो, तुम मेरे साथ अभी मजाक कर रहे हो राइट? अगर ये तुम्हारा सरप्राइज है मुझे डराने का तो मैं पहले ही बता दूँ,
मुझे तुम्हारी ये सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। प्लीज़ स्टॉप किडिंग विथ मी, वांग जी विंग के आँखों में आँखें डालकर कहता है। नहीं, मैं तुमसे अभी कोई मजाक नहीं कर रहा। विंग टाइटली वांग जी का आर्म्स पकड़ लेता है, क्योंकि अभी उसे ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग डार्क वॉइस में वांग जी के आँखों में घूरते हुए कहता है, ओह तो तुम वांग ही वो नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? वांग जी कहता है, मैं लन वांग जी हूँ, मुझे माफ़ कर देना विंग। विंग कहता है, अगर मुझसे मेरा मनी और प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तुम, और इसीलिए तुमने शादी की है मुझसे, तो फिर एक काम को अंजाम देने से पहले तुमने अपना प्लान मुझे क्यों बता दिया? वांग जी कहता है, क्योंकि अब मुझे कोई और टारगेट मिल गया है अपने लिए, जो तुमसे भी ज़्यादा रिच है, और इसलिए मैंने तुम्हें आज मेरा प्लान बता दिया है। वांग जी खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने और स्ट्रांग रखने की कोशिश करता है, ताकि वो विंग के सामने ना रोए और वीक ना पड़े। वांग जी विंग को अभी इसके बारे में सच नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे डर है कि जैकब विंग को मार डालेगा, और अगर उसे इसके बारे में पता चला तो और उसके अंकल और भाई को भी वो लोग मार डालेगा। वांग जी के पास अभी एक ही ऑप्शन था, विंग से सारी रिश्ता तोड़ने की और उसके घर छोड़कर बहुत दूर उसके लाइफ से दूर चले जाने की, जिससे विंग मुसीबत में ना पड़े। विंग कहता है, तुम्हारे साथ और कौन कौन है इस प्लान में? विंग बस यही उम्मीद कर रहा था कि काश ये सब कुछ एक बुरा सपना हो, वांग जी मजाक कर रहा हो। वांग जी कहता है, मेरे साथ और कोई नहीं है, ये सारा प्लान मेरा था तुम्हें इसमें फंसाने का और तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने का। विंग्स रिया स्टोन में पूछता है, जब तुमने मुझे बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तब तुम सीरियस थे? वांग जी शेकिंग वॉइस में कहता है, नो, मुझे माफ़ कर देना विंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। वांग जी के एक एक वर्ड विंग के दिल को छन्नी कर रहा था। विंग गुस्से में वांग जी को वॉल के अगेंस्ट पुश किया और अपना हाथ एंग्री दीवार पर मारना स्टार्ट कर दिया। विंग के रिएक्शन और एंगर गलत नहीं था, वो अपने जगह बिल्कुल भी सही था, उसका गुस्सा जस्टिस था। लेकिन फिर भी वांग जी सरप्राइज था विंग के गुस्से से। वांग जी अपने आंखें क्लोज कर लेता है फेयर से, क्योंकि विंग के एंग्री रिएक्शन से उसके माइंड में फिर से उसके बचपन की सारी ट्रॉमा और दर्द भरी चीज़ें वापस आने लगता है। कैसे जैकब उससे मिस्टेक होने पर उसे पनिशमेंट दिया करता था, कैसे उसे 2-3 दिन तक डार्क रूम में बंद करके रखता था। अचानक सारी ट्रॉमा वापस बैक करने लगता है। विंग चिल्लाते हुए कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँ, तुम जाओ यहाँ से। भले वांग जी के बॉडी अभी फेयर से पूरी तरह से कांप रहे थे, फिर भी उसने विंग के सामने से जाने के लिए अपना सूटकेस पकड़ा और उसे खींचते हुए स्लोली वॉक करके डोर के पास जाने लगता है। वांग जी बस डोर ओपन करने ही वाला था, तभी विंग पीछे से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने पास लाकर उसका फेस अपने ओर टान करके उसे गले लगा लेता है, जो कि वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। विंग कहता है, मैं विंग हो, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो, तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हमारे बच्चे के बारे में क्या? वांग जी कहता है, क्या तुम्हें ये बात पता है? विंग कहता है, तुम्हारे डॉक्टर मेरा फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं ये विश्वास करता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मुझे पता है कि तुम अपने फीलिंग्स को लेकर सिंसियर हो। विंग की बात सुनकर लेंजन रोते हुए वापस विंग को गले लगा लिया। विंग कहता है, लेंजन राइट, सॉरी, क्या मैं तुम्हें लेंजा बुला सकता हूँ? लेंजन कहता है, विंग कहता है, ठीक है,
अब तुम रोना बंद करो लेंजान, और मुझे सब कुछ क्लियरली बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। लेंजा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारे मदद कर सकता हूँ। वांग जी विंग को होल ट्रूथ बताना शुरू करता है। वांग जी उस दिन से बातें बताना शुरू करता है जिस दिन उसका किडनैप हुआ था। वांग जी विंग को ये भी बताता है कैसे जैकब के बात ना मानने पर उसे मारा पीटा जाता था। विंग ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वांग जी इतनी कम उम्र में क्या क्या झेला है। विंग अपना फेस वांग जी के नेक के पीछे हाइड कर लेता है और साइलेंटली रोने लगता है, क्योंकि विंग वांग जी का दर्द महसूस कर पा रहे थे इस वक्त। विंग कहता है, रोना बंद करो, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें फिर से चोट पहुँचाने और मेरे परिवार को मुझसे अलग करने की परमिशन किसी को नहीं दूंगा। मुझे परवाह नहीं ये सब, मैं मुझे कितना भी पैसा क्यों ना खर्च करना पड़े, मैं करूँगा और उनको उनके किए के लिए पनिश करूँगा जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। वो उस लड़के के साथ ऐसा किया है जिससे मैं प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, अगर मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बस तुम्हें उन लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहता था। विंग कहता है, मुझे पता है लेंजा, तो तुम सॉरी मत बोलो। विंग लेंजा के फेस अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है और उसे बार बार किस करने लगता है। विंग ने लेंजा के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें शामिल सभी लोगों को पकड़ने के लिए विंग अपने कनेक्शन और पैसों का इस्तेमाल किया। जैकब के सभी आदमी पकड़े गए, लेकिन जैकब बच गया था। तब 7 महीने बाद जैकब भी पकड़ा गया। लेंजन के पास जैकब के अगेंस्ट बहुत सारा सबूत था। अब तक जितने भी बार जैकब उसे कॉल करके बात किया था, लेंजन सभी कॉल रिकॉर्ड करके रखा था, और इसके साथ विंग जस्टिस पाने के लिए सब कुछ किया। विंग लेंजा को उसके परिवार से भी मिलाता है। लेंजा अब 9 मंथ प्रेग्नेंट था और अभी उसका बेबी बम भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। उसे चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। लेंजीरन फिर से विंग के साथ वांग जी का शादी अरेंज करता है, क्योंकि उस वक्त विंग के शादी जिससे हुई थी वो वांग जी नहीं था, वो वांग इबो था, लेंजा नहीं था। प्रिस्ट कहता है, डू यू विंग टेक लान वांग जी एज योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड, इफ यू एग्री देन से आई डू। विंग तुरंत कहता है, यस आई डू। सेम थिंग लेंजा के लिए भी कहता है। लेंजान कहता है, यस आई डू। प्रीस्ट कहता है, आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड बन चुके हो, आप अपने हस्बैंड को किस कर सकते हैं। विंग जैसे ही लेंजा को किस करने के लिए उसे अपने करीब खींचता है, और लेंजा विंग के हेयर टाइटली ग्रैब करके तभी अचानक चिल्लाना लगता है, क्योंकि उसके स्टमक पर पेन होना शुरू हो गया था। विंग कहता है, क्या हुआ लेंजा, आर यू ओके, लव प्लीज़ बात करो। लेंजान कहता है, विंग आई थिंक बेबी आने वाला है। लेंजान ये शब्द बहुत ही मुश्किल से बोल रहा था, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। विंग ये सुनते ही पैनिक करने लगता है और तुरंत लेंजा को अपने गोद में लेकर कार की तरफ भागने लगता है। विंग इस वक्त लेंजा से भी ज़्यादा नर्वस था। जब लेंजा ऑपरेशन थिएटर में था, विंग एक पल के लिए भी रेस्ट नहीं किया और ना ही बैठा, वो पूरा टाइम बाहर खड़ा रहा। जब उसे बेबी की आवाज़ें सुनाई दी, बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, विंग भी बाहर खड़ा होकर रोना शुरू कर दिया था। कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर जब विंग को वांग जी और बेबी से मिलने के लिए परमिशन देता है, विंग रोते हुए कमरे में एंटर करता है। तभी वो देखता है वांग जी जो बेबी को अपने गोद में लेकर बैठी थी। दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल लग रहा था। विंग अपने आंसू को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, और उसे रोते देख वांग जी पैनिक करने लगता है कि विंग को क्या हो गया है। वांग जी उसे अपने बाहें फैलाकर उसे अपने पास बुलाता है। विंग तुरंत जाकर बेबी और वांग जी को गले लगा लेता है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेबी और उसका प्यार अभी उसके पास है और दोनों बिल्कुल सेफ है। वांग जी विंग से पूछता है, क्या हुआ लव। विंग बस बिना कुछ कहे वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है
और उसे पूरे लव के साथ किस करता है। भांग जी भी किस को इंजॉय कर रहा था और भींग को किस बैक कर रहा था। उसे अभी अपना दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वांग जी अपने बेबी और अपने हस्बैंड को देखने के बाद अपना सारा दर्द भूल गया था। वो बस इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ओके गाइस, तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन, छोटू सा फैन फिक्शन ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैं सीरीज स्टार्ट करूँगी, ठीक है? तो फिर आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये शॉर्ट वाली स्टोरी कैसा लगा, ठीक है? गला खराब है तो ज़्यादा नहीं बोल सकती। टेक केयर माई ऑल स्वीटीज, गुड नाइट, बाय बाय।